सो गाइस, कभी आपके पास आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी में किसी तरह से शॉकर की आवाज आ रही है और आप उसको चेक करवाने वर्कशॉप गए हैं और वर्कशॉप पे आपको लंबा चौड़ा बिल बता दिया है कि शॉकर चेंज होंगे या फिर शॉकर किट डलेगा। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आप एक आज ऐसी जगह पर जहाँ पर शॉकर का बहुत ही रिलायबल काम होता है और काफ़ी चीप रेट में होता है, कस्टमर के बजट फ्रेंडली काम होता है। यहाँ पर आपको आपकी किसी भी गाड़ी का एक्स वाई जेड, आपकी प्राइम से प्राइम गाड़ी हो, शॉक ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू या फिर छोटी से छोटी गाड़ी मारुति 800 या फिर आपकी बाइक ही क्यों ना हो, इन सभी गाड़ियों के शॉकर का काफ़ी रिलायबल रेट में काम किया जाता है और इसी तरह के काम इनके यहाँ पे किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हरि ओम शॉकर रिपेयर्स पे। तो आइए चलते हैं। गाइज, अभी हम आ चुके हैं हरि ओम शॉकर रिपेयर्स पे। तो आप देख सकते हैं ये इक्विपमेंट है जिससे कि शॉकर को खोला जाता है, ये सारी माउंटिंग है और ये सारी चीज़ें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज की जाती है। ये सारा स्टॉक है जो थोड़ा चीप क्वालिटी है और ये बाकी का स्टॉक है जो कि फुल्ली अशोर्ड मटेरियल है। ये हुंडई जेन्युइन पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये और भी मैं आपको दिखाता हूँ, मारुति जेन्युइन, ये देखिए ये मारुति जेन्युइन पार्ट है, ये निसान का जेन्युइन पार्ट है। ये सारी चीज़ें शॉकर माउंटिंग जिसको बाटी भी कहते हैं, ये वो चीज़ है। ये सारे बूट्स पड़े हैं और शॉकर के अंदर भी काफ़ी सारे वैरायटी आपको मिल जाती है, कैब्रियल, मॉनरोल और मारुति MGP जो भी जेन्युइन पार्ट होते हैं, उसके अलावा हुंडई जेन्युइन पार्ट, रियर फ्रंट दोनों तरह के शॉकर हैं और उनके शॉकर कवर और जो भी एक्सेसरीज होती है शॉकर के अंदर, ये सारा स्टॉक रखा हुआ है। ये देखिए हर तरह के शॉकर कवर हैं और हर शॉकर का यहाँ पे काम हो सकता है, चाहे आपकी बाइक हो या फिर आपकी कार हो, और आपको काफ़ी रिलायबल रेट के अंदर यहाँ पे काम किया जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया जाएगा, कस्टमर फ्रेंडली काम है। ये आप देख सकते हैं पुराना जो निकले हुए शॉकर, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ्रेंडली इनका काम है, तो कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपकी गाड़ी भी शॉकर से रिलेटेड किसी तरह की आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन में कोई आवाज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर चेक करा सकते हैं। यहाँ पर रामोदर भी आपको मिल जाएंगे और राजा बाबू भी मिल जाएंगे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भैया शॉकर खोल के लेके आएँ और अभी पूछते हैं कौन सी गाड़ी के शॉकर हैं ये। i20 न्यू मॉडल के शॉकर्स हैं और अभी इनको चेक किया जाएगा कि क्या इनमें प्रॉब्लम हो गई है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये देखते हैं। अभी बोल्ट लूज कर लिया है, अभी इसको प्रेस मशीन के ऊपर लगाएंगे। अभी इसको प्रेस मशीन के ऊपर लगाकर स्प्रिंग को दबाया जाएगा ताकि इसका जो माउंट बोल्ट है वो आसानी से खुल जाए।
गाइस अभी स्प्रिंग को शॉकर से अलग कर दिया है और शॉकर स्प्रिंग ये है इसकी शॉकर स्प्रिंग और ये है शॉकर प्लेट, ये है शॉकर बूट और इसके ऊपर ये है शॉकर बैरिंग। अभी शॉकर को चेंज चेक किया जा रहा है, इसकी शॉकर माउंटिंग लगाई जाएगी। अभी शॉकर माउंटिंग लगाई जाएगी और शायद चेक करने पर पता चल रहा है कि ये शॉकर लीक भी है। शॉकर लीक कैसे होता है गाइज, शॉकर के अंदर ऑयल होता है, उसी के प्रेशर से शॉकर काम करता है, वापस वो ऑयल बाउंस करता है इस रॉड को और इसी तरीके शॉकर काम करता है। शॉकर खराब होने का मतलब है उसकी ऑयल सील कट गई है, यानी कि जो चीज़ ऑयल को बाहर आने से रोक रही है वो चीज़ खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं शॉकर ऑयल सील। और ये काम करती है हाइड्रोलिक की तरह, तो इसके साथ ऑयल ना बाहर आए इस वजह से शॉकर ऑयल सील डाली जाती है और वो ही ख़राब हो जाती है। तो आपने कई गाड़ियों में देखा होगा यहाँ पर शॉकर के ऊपर ऑयल निकलने लग जाता है, वो इसी वजह से निकलता है। तो अभी कैसे चेंज करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। अभी दूसरा शॉकर भी लगा दिया है और उसको भी खोलेंगे, तो ये देखते हैं कैसे कर रहा है। और गाइस जब तक दूसरा शॉकर खोलते हैं, अभी पुराने वाले शॉकर में क्या काम हो रहा है मैं बता रहा हूँ। सो गाइस अभी जो पुराना शॉकर था इसको पानी से अच्छी तरह से साफ किया जाएगा, उसके बाद में इसको एक केमिकल है उससे साफ किया जाएगा। तो अभी शॉकर को साफ किया जा रहा है, उसके बाद में स्प्रिंग और बूट। और गाइस जो चीज़ रिकमेंडेड है चेंज होने के लिए वही चीज़ की जाएगी, अनवांटेड चीज़ें चेंज करके कस्टमर का बजट किसी तरह से नहीं बढ़ाया जाएगा। तो एक बार आप अपनी गाड़ी में कोई शॉकर से रिलेटेड काम है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी देखिए सारी मिट्टी इसकी निकाली जा रही है ताकि किसी भी तरह हाइड्रोलिक के अंदर मिट्टी ना जाए और शॉकर आपका ख़राब ना हो, तो इस वजह से सारी चीज़ें साफ़ की जा रही है। आप देख सकते हैं केमिकल से क्लीन करने के बाद में सारी चीज़ें नई जैसी हो गई है, ये स्प्रिंग्स, ये शॉक ऑब्जर्वर और ये इसके बूट बिल्कुल नए जैसे हो गए। अभी इसके अंदर शॉकर माउंटिंग डाली जाएगी, तो ये है इसकी शॉकर माउंटिंग जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है, हुंडई जेन्युइन। ये दोनों शॉकर्स के अंदर ये माउंटिंग डाली जाएगी, तो ये देखते हैं कैसे डालते हैं इसको। इधर शॉकर के ऊपर शॉकर की रबड़ को लगाया जा रहा है ताकि ये स्प्रिंग और लोहे के बीच में जो ये शॉकर प्लेट है इसके बीच में वाइब्रेशन के बाद में आवाज़ ना हो,
तो अभी ये बीच में रबड़ इसके लिए साइलेंसर का काम करेगा, जो कि इसकी आवाज़ को साइलेंट कर देगा। और आप स्प्रिंग पे यहाँ पे देख सकते हैं ये रबड़ का पाइप लगाया हुआ है, ये भी इसीलिए लगाया हुआ है ताकि लोहे से लोहा भिड़के जो आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ ना हो। अभी ये शॉकर किट है जिसके अंदर इसका बूट है, शॉकर बेयरिंग है, और इसके अंदर एक बूट और आता है जो मैं आपको भी किसी खुले हुए शॉकर के अंदर बता दूंगा। ये देखिए ये इस तरह का, ये भी एक बूट का ही काम करता है। तो अभी लगा रहे हैं इस किट को, देखते हैं। दूसरे शॉकर को लगा दिया है प्रेस मशीन पर, और पहले वाले की तरह ही इसमें भी शॉकर बैरिंग लगाने के बाद में इसमें बोल्ट लगा के, और ये है इसकी पुरानी माउंटिंग। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या ख़राब हो जाता है और क्यों ये चेंज की जाती है। रामोदार भैया अपन को बताएंगे कि क्यों ये माउंटिंग चेंज की जाती है और किस तरह ये ख़राब हो जाती है। तो बताइए रामोदार भैया, क्या चीज़ इसके अंदर होती है जो ख़राब होती है और क्यों इसको चेंज कर दिया जाता है? इसकी जो ऊपर का जो ये ग्रुपिंग है, हाँ, जो गाड़ी में लगने के बाद में जो बैठ गया है, ये देखिए इधर से। ओके, तो गाइज ये जो इसके ऊपर ग्रुपिंग आती है वो गाड़ी में प्रेशर की वजह से दब जाती है, और ये जो रबड़ इसके ऊपर देख रहे हैं वो कट जाता है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर आवाज़ें आने लग जाती है, और लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ और भी कई तरह की आवाज़ें इसके अंदर जनरेट हो जाती है। ये देखिए ग्रुपिंग, और अभी मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये ग्रुपिंग सारी कट चुकी है, और इसमें देखिए ये बिल्कुल अभी नया है, इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं कटा हुआ है। बाकी ये वाली ग्रुपिंग है ये बिल्कुल दब चुकी है, आप देख सकते हैं। पीछे से अगर कंपेयर करें तो ये देखिए ये सारी ग्रुपिंग अनइवन हो गई है, इस वजह से आपकी शॉकर माउंट अपने शॉकर से टकराती है और उसकी आवाज़ आती है, और गाड़ी की बॉडी से भी ये ऊपर की तरफ से टकराती है इस तरफ से, तो आपकी गाड़ी में आवाज़ आने लग जाती है, और इसलिए इसको चेंज किया जाता है। तो अभी ये हमने किए हैं i20 न्यू मॉडल के दोनों शॉकर के माउंटिंग चेंज। तो गाइज अगर आपको भी आपकी गाड़ी में शॉकर में किसी तरह का कोई काम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हो रहा है इसका काम। ये रेडी हो चुका है, और इस तरह से काम करवाने पर आपकी जेब पर भी थोड़ा सा असर कम होगा, क्योंकि वर्कशॉप पे आप कभी भी अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं पूरा शॉकर चेंज करने के लिए, और शॉकर चेंज करने के लिए आपसे पूरा पैसा ले लिया जाता है, और काम वो लोकल जो भी शॉकर रिपेयर्स होते हैं वहाँ से करवा लेते हैं, तो आपसे वो पूरा पैसा वसूल करते हैं, लेकिन वो चीप रेट में अपना काम करके आपको गाड़ी में लगा के दे देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक बार आसपास में जो भी शॉकर रिपेयर्स हैं वहाँ पर चेक करवा सकते हैं अपने शॉकर को। तो अभी दूसरा शॉकर फिटिंग चल रही है, तो